आप लोग देख रहे हैं पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ रेहुशा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये जो आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं ये समाज सेवियों के हाथ मदद को आगे उठ रहे हैं, क्योंकि पूरा भारत देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। वहीं पर लॉकडाउन के दरमियान लोगों की मजदूरियां बंद हैं, खाने को लाले पड़ रहे हैं, गरीब परिवार खाने को मोहताज है, जिसकी वजह से ये समाज सेवियों के द्वारा लोगों के घर घर भोजन सामग्री पैकेटों में पैक करके उसके बाद पॉलीथीन में भेजा जा रहा है। एक सराहनीय कार्य ये समाज सेवी कर रहे हैं, जो कि वास्तव में एक काफ़ी एक जुबानी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो कि घर घर पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूरा देश भुखमरी के कगार पर और उससे जूझ रहा है कोरोना जैसी महामारी बीमारी से, और भारत के प्रधानमंत्री लोगों की चिंता कर रहे हैं। वहीं पर समाज सेवी भी जो है लोगों की चिंता कर रहे हैं, और भूख और प्यास से कोई न मरने पाए इसकी वजह से ये लोग घर घर जा कर के ये समाज सेवी भोजन सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये स्थानीय कस्बा रेउसा की तस्वीरें हैं। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है और कोरोना जैसी महामारी बीमारी ला इलाज उसी के मद्देनज़र रखते हुए पूरे समाज सेवी स्थानीय कस्बा में खाने के पैकेट भोजन बनवा करके और आटा चावल तेल नमक दाल हर चीज़ मुहैया करा रहे हैं, जबकि अधिकारी भी बराबर निरंतर ध्यान दे रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रमुख व्यापारी से लेकर के और समाज सेवियों के हाथ आगे आ रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं। वहीं पर जनप्रतिनिधि भी जो है लोगों के बीच अपनी जान जोखिम में डाल करके समाज सेवी और आदि लोग जा करके और उनके बीच जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं अपने घरों में रहें और बाहर न निकलें। वहीं पर पुलिस विभाग भी जो है निरंतर कड़ी नज़र रखे हुए है और भारत के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है, और लॉकडाउन को पूरी तरीके से स्थानीय कस्बा के थाना प्रभारी रेउसा नोबिन सिंह सिरोही के द्वारा सफल बनाया जा रहा है। पूरी तरीके से लॉकडाउन स्थानीय कस्बा में सफल चल रहा है और कड़ी नज़र रखी जा रही। वहीं पर थाना प्रभारी के द्वारा यह भी अपने अनाउंसमेंट में कहा गया कि घरों में लोग रहें, बाहर न निकलें, जो भी आवश्यकताएं वस्तुएं हैं उनको घर पे मुहैया कराया जाएगा, और प्रत्येक समय अनुसार जो नियम था उसी हिसाब से आवश्यक वस्तु की दुकानें खुला रहेंगी और समय से खुलेंगी और समय से निर्धारित समय पर वो बंद होंगी। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये काफ़ी एक समाज सेवियों ने एक सराहनीय कदम उठाया है और घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये स्थानीय कस्बा रेउसा की तस्वीरें हैं। जब से ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तब से समाज सेवी काफ़ी मदद को आगे उनके हाथ उठ रहे हैं। कि उन तस्वीरें भी उस भोजन सामग्री के पास दिखाई दे रही हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो एक दिखाई दे रही है कि भारत के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार किया जा रहा है और उनके आदेशों का पालन किया जा रहा है। काफ़ी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है पालन करते हुए, क्योंकि इन तस्वीर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कैमरे में कैद की जा रही हैं, लेकिन हम ले चलते हैं इन समाज सेवियों के पास, क्योंकि इन लोगों के द्वारा ही इन सामग्री की व्यवस्था इसकी की गई है। यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हैं और एक ही समुदाय के हैं। सबसे बड़ी बात, जब जब भी भारत पे आपत्ति आई है तो अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ये इतिहास गवाह है। आज से नहीं आज से आप देख सकते हैं। लेकिन हम ले चलते हैं इन तस्वीरों के पास। बारी बारी से आपको मैंने दिखा भी दिया कि काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करते हुए, लेकिन यहाँ पर हम व्यवस्था बात करते हैं कि ये सामग्री किन लोगों के लिए की गई है और कहाँ पे वितरित होगी। बताएं, यहाँ पे लोहिया जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद जी हैं और रियाज ज्वेलर्स भी हैं, और काफ़ी बारी बारी से नाम ले पाना तो मुश्किल बात है, लेकिन हम बात करते हैं रिजवान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और संघर्षशील। बताएं ये सामग्री कहाँ कहाँ पे वितरित की जाएगी और कितनी सामग्री लगभग होगी, कितने पैकेट हैं? आज जब हमारा देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व लॉकडाउन
और कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। निस्संदेह इस लॉकडाउन के दौरान हमारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कारखाना श्रमिक हैं, रिक्शा ठिरिया चालक हैं, उनके सामने खाद्यान्न की समस्या उभर करके आई है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी 25 मार्च को ट्वीट करके ये हम लोगों से कहा है कि कोई भी वर्ग भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये एक राजनीतिक दल से अगर परे बात की जाए तो ये मानवता का भी संदेश जाता है। हमें इंसानियत बचानी है। जहां एक तरफ कोरोना की जैसी महामारी से इंसान मर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम जैसे लोग, और ना जाने कितने आज आप लोग देख सकते हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इंसानियत को बचाने में लगे हुए हैं। हम लोगों का दृढ़ संकल्प है कि इंसान मरेगा बीमारी से वो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन इंसानियत हम लोग नहीं मरने देंगे, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर बात की जाए पैकेटों की तो हम लोग आटा चावल नमक तेल के पैकेट तैयार किए हैं, क्योंकि खाने का समय हो गया, हम लोग भी भूखे हुए हैं, इसलिए अब काम रोक दिया गया है। आज का मटेरियल सारा अभी रखा हुआ है, आवश्यकता अनुसार पात्र मिलते जाएंगे, उनको हम लोग वितरण का कार्यक्रम हमारा अनवरत चलता रहेगा। लगभग एक पैकेट में रिजवान जी बताया था जी कितना सामान होगा? लगभग 2 किलो आलू है, 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 नमक आधा किलो का पैक है और 1 ILDCC है। अच्छा, आपकी टीम जो समाज सेवी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये लगभग कितने लोगों के, उनके नाम भी हम जानना चाहेंगे? 20 लोग हैं जिनका जानी मानी पूरी तरीके से जो है इसमें मदद उन्होंने की है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी जो हैं साथ में, रियाज ज्वेलर से राजू भाई, जमील भाई, और जो नौजवानों टीम देख रहे हैं आप लोग, डॉक्टर साहब हैं हमारे, अभी थे हमारे बीच में, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर उपस्थित थे, वो जा चुके हैं, और नौजवानों की टीम है, फैज अरसल है, मोनू है, और कई लोग, सबका बड़ा सहयोग मिला है इस कार्यक्रम में पूरे। जैसा कि आप लोगों ने देखा इन तस्वीरों के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखेंगे कि किस कदर से समाजसेवियों के हाथ इस आपातकालीन में लोगों के आगे आ रहे हैं और काफ़ी लोगों की मदद हो रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन भोजन के पैकेट तैयार किए गए हैं और काफ़ी एक सराहनीय कदम इन लोगों का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये तस्वीर, एक पैकेट के अंदर, पॉलीथीन के अंदर आलू भी है, चावल भी है, आटा भी है, सब्जी भी है, मिर्चा भी है, हल्दी भी है। और ये तस्वीरें स्थानीय कस्बा रेउसा के गोल्डन लान की हैं, जहां पर इस सामान को कुछ समाजसेवियों के द्वारा एकत्रित किया गया है। कम से कम 5-6 किलो एक पैकेट में तकरीबन सामान दिखाई दे रहा है, जैसा कि तस्वीरों से अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में एक सराहनीय कदम है यहाँ पे समाजसेवियों के द्वारा। लेकिन आप उन तस्वीरों से भी हम रूबरू कराएंगे जिनके माध्यम से ये सामान की व्यवस्था की गई है इस आपातकालीन, जहाँ पर भारत पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और बाहर से आए लोगों के लिए क्वारंटीन और जिनके घर में इस समय खाने की भी लाले पड़े हुए हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। लेकिन पूरी खबर से रूबरू होने के लिए कुछ लोगों से, समाजसेवियों से बातचीत के अंश आप सुनेंगे।